आई नो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है कि मैं इतने दिन कहाँ था, और इन मच्छरों को भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लग रहे हैं। सॉरी यार, बहुत ज़्यादा मच्छर आ गए बीच में एकदम से, अब तक तो नहीं थे। तो देखो, मैं इस व्लॉग में मैं आपको मेरा कॉलेज बताने वाला हूँ, और सेकंड चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं इतने दिन कहाँ गायब था। तो इतने दिन मैं गायब था अपनी मासी के घर, फिर मैं गया अपने गांव, फिर मैं गया जितने भी लोग हैं मेरे रिलेटिव्स उन सब के घर जाके आया, क्योंकि मुझे पता है अभी अगले जर्नी में मैं जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि फिर कॉलेज जाएंगे तो फिर बहुत बिजी लाइफ शुरू हो जाएंगे। और आपको मेरा ये भाषण सुनना नहीं है, मुझे पता है आपको मेरा कॉलेज जानना है ना। तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, सब बताऊंगा, सब पूरी कहानी के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैं इस बार कहानी लिख के आया हूँ। और हाँ, तीसरी बात, थैंक यू सो मच फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे, और इसीलिए मैं इतना दिन गायब था क्योंकि यार मुझे अच्छे वीडियोज़ डालने हैं। मतलब ऐसे नहीं डालना है कि बस डाल दिया वीडियो, डालना था, क्योंकि मेरे पास तो देखो स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी था, मेरे पास स्पॉन्सर भी थे, वो सब बोल रहे थे, मतलब उनका ऐसा होता है कि जितना वीडियो डालेगी उतना पैसा मिलेगा, पर मैंने नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि मुझे जो वीडियो डालने की इच्छा होगी वही मैं डालने वाला था। ऐसे नहीं कि बस पैसे मिल रहे तो वीडियो डाल दिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, जो कि है मेरा कॉलेज कौन सा मिला है। तो एंगल चेंज करते हैं, है ना। चलिए, हाँ जी, तो मेरा जो कॉलेज है वो इतना सुंदर है, मैं कॉलेज की किसी भी कोने से अगर व्लॉग करूँगा, कहीं भी कैमरा रखूँगा, तो इतना मस्त व्यू आएगा कि बस रे बस। मतलब इससे भी अच्छा व्यू, मतलब ये तो अच्छा है ही नहीं, पर बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आएगा। तो उस कॉलेज का नाम है, आगे बताऊँगा यार, धीरे थोड़ा सब्र करो यार, मतलब ऐसे कैसे मैं कॉलेज का नाम बता दूँगा, जर्नी बताऊँगा ना कि कैसे गया वगैरह। तो शुरुआत होती है 1 फरवरी को, जब जिस दिन महाराष्ट्र की काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला था फर्स्ट राउंड का। तो मैं तो कुछ भी एक्साइटेड नहीं था, मतलब मुझे पता था कि महाराष्ट्र की जो मतलब CET सेल है वो कभी भी रिलीज़ कर देती है, या फिर कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। तो मैं टेंशन नहीं ले रहा था, सब मैंने सोच रहा था कि दोस्त का कॉल आ जाएगा, क्योंकि सब दोस्त भी देखते रहते हैं, तो फिर अपन तब देख लेंगे। बट चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को चिंता होती है अपने बच्चे के एडमिशन की, तो वो होती है माँ। इसलिए सबसे पहले मेरी माँ को पता चला कि राउंड 1 का जो रिजल्ट लग चुका है, मेरे मम्मी ने 12 बजे आके मुझे उठाया और बोला, भाई रिजल्ट लग गया, भाई मतलब कल राज रिजल्ट लग गया है, देख ले। तो फिर मैंने तभी चेक करा, और तभी मुझे पता चला कि नागपुर के कॉलेज को मेरा नंबर लगा है। अभी नागपुर का कौन सा कॉलेज है ये मैं आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं बता दूंगा, उसके लिए आपको आगे का व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जाते वक्त थोड़ा सा व्लॉग किया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरे पापा के सामने बहुत फटती है। 1 फरवरी को राउंड 1 का रिजल्ट लगने के बाद 2 और 3 फरवरी को मैं DD और डॉक्यूमेंट जमा करने के प्रोसेस में लग गया। सभी डॉक्यूमेंट जमा करके सभी चीज़ें पास लेके मैं 4 फरवरी को सुबह 5 बजे मैं मेरे पापा और उनके 2 दोस्त के साथ नागपुर की जर्नी के लिए निकल पड़ा। तो थोड़ा सा व्लॉग करने की कोशिश की मैंने उनके सामने, क्योंकि तो आपको तो पता है मैं पापा के सामने कुछ भी बोल नहीं पाता हूँ, बट थोड़ी सी कोशिश की थी, वो थोड़े थोड़े व्लॉग के जो मोमेंट्स हैं वो बीच बीच में डाल दिया करूँगा, ठीक है, वो आप देखना। और बहुत चीज़ें हुई एडमिशन के दिन, मतलब लगा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि मुझे तो लगा था यार सब लेके गया हूँ, बट देखो आप आगे। बढ़िया, गुड मॉर्निंग हो चुका है, और मैंने शुरुआत में आपको दिखाया नहीं, बट अरे यार सबका एडमिशन आज ही करनी है शायद। तो एक्चुअली क्या है, अभी हम 150 किलोमीटर जो है घर से आ चुके हैं, एंड नागपुर मेरे घर से नियरली 300 किलोमीटर अकोला से। तो अभी हाईवे पे है, तो काफ़ी अच्छा रास्ता है, तो अच्छे से जा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। यहाँ पे सिर्फ अभी चाय नाश्ता करने के लिए आए हैं, एंड आई एम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एडमिशन के लिए, क्योंकि इतने 3 सालों से प्रिपेयर कर रहा था यार, 3 अटेम्प्ट दिए। हालांकि सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट है, पर मेडिकल कॉलेज होता है, जो प्रिपेयर करता है उसे पता है क्या एफर्ट्स लगते हैं मेडिकल कॉलेज पाने के लिए।
9:30 को हम नागपुर पहुंच गए थे और 10 बजे तक हम कॉलेज पहुंच चुके थे। और फिर मुझे लगा 10 बजे कॉलेज पहुंच गए हैं और बहुत कम लोग थे वहाँ पे, तो 2 बजे तक काम हो जाएगा। बट इतना आसानी से मेडिकल का एडमिशन हो जाए ऐसा हो नहीं सकता ना। तो वहाँ जाके मुझे पता चला, बाहर ही एक भैया बैठे थे, उनकी बहन के एडमिशन के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि जो गैप सर्टिफिकेट होता है, गैप सर्टिफिकेट वो एफिडेविट कराना होता है तहसीलदार के सही के साथ। ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा गैप सर्टिफिकेट सिर्फ बॉन्ड पेपर पे प्रिंट करवाना है, क्योंकि मैंने इसके पहले एडमिशन की नहीं थी ना, ये पहली बार करवा रहा था ना। तो मेरे तो तोते उड़ गए यार कि अब तहसीलदार ऑफिस कहाँ से लाए और तहसीलदार इतने जल्दी मिलेगा क्या, उनकी टाइमिंग्स होती है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। बट फिर हमने तहसील ऑफिस ढूंढा, जो भी पास में होगा, वो पास के गांव के तहसील ऑफिस चले गए और फिर वहां जाके हमने वो सब प्रोसीजर की एफिडेविट बनवाया। और उसमें भी एक चीज़ हुई, अगर ये वीडियो उन्होंने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट बात ऐसी हुई कि वहाँ तहसीलदार नहीं थे, तो उनके साथ के जो भी ऑफिसर होते हैं अलग ऑफिसर, उनकी सही लेके मैं चला गया वापस कॉलेज। ठीक है, सो वहाँ से हम गए कॉलेज वापस एडमिशन करवाने, और वहाँ पे बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो बैठे हुए थे पेपर्स चेक करने के लिए। तो उनको हमने पेपर्स दिखाए, उन्होंने सब चेक किए, उनको सब सही लगा, उन्होंने बोला कॉन्ग्रेट्स, आपकी एडमिशन प्रोसेस अब आधी हो चुकी है, आगे होगी आधी एडमिशन हॉल में, एडमिशन जो सेक्शन होता है, अकाउंट सेक्शन जो होता है। तो मैं खुश हो गया कि मेरी तो एडमिशन हो गई, बस अब थोड़ा सा ही काम बाकी है, डीडी देना है और वापस घर जाना है, पहले खाना खा के मस्त सा। बट और भी बहुत चीज़ें बाकी थी। फिर वहाँ से हम गए एडमिशन हॉल में और वहाँ जाके पता चला कि बहुत ही लंबी लाइन है। फिर मैं लाइन में लग गया, ठीक है, सोचा कि सभी लाइन में हम भी लग जाते। फिर लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी, मैं भी आगे बढ़ा, और लास्ट मोमेंट पे आके मुझे पता चला कि मैंने 10th का जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है वो लाया ही नहीं है, मैंने 10th की मार्कशीट लाई है, मतलब जो बंच होता है पेपर्स का उनमें। ठीक है, तो फिर मेरी तो फटके चार होगी कि अभी तो भाई 4 बज रहे हैं दिन के, जहाँ वहाँ मेरा नंबर लगाया है और अभी मेरे पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है। फिर वो बोले रुको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, डीन के पास जाते हैं, वाइस डीन के पास जाते हैं। फिर हम वाइस डीन के पास गए, तो वाइस डीन तो हमारा कोई रिलेटिव है नहीं, तो वो तो हमारी बात कुछ सुनने नहीं वाला था, सॉरी सुनने नहीं वाले थे। तो उन्होंने बोला एक काम करो बेटा, आप घर जाओ और लास्ट डेट के पहले आ जाओ बोर्ड सर्टिफिकेट लेके। तो फिर मेरी फटके चार हो गई कि अब हम घर जाएंगे, बोर्ड सर्टिफिकेट लाएंगे और सबसे पहली बात तो पापा को बताएंगे कि पापा हमने मार्कशीट लाई है, बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं। अभी हंसी आ रही है, बट तब मेरी बहुत फट चुकी थी कि पापा को बताना है। फिर पापा को बताने के लिए मैं पापा के पास गया और तभी मैंने देखा कि मैंने बैग लाई हुई है। तो गलती से मैंने सोचा यार बैग में मैंने सब डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, यार ये अभी आना है क्या ट्रेन को? अरे यार ठीक है, कूल। तो देखो ट्रेन का आवाज़ तो आता रहेगा, मेरी बात सुनो, आप ट्रेन की मत सुनो, मतलब ट्रेन की आवाज़ मत सुनो। तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने सोचा यार बैग में तो होगा यार डॉक्यूमेंट, देख लेते हैं। तो फिर मैंने चेक किया और उसमें था लकीली, इतना खुश हो गया ना मैंने सोचा यार बस अभी हो गया। फिर उनके पास वापस लेके चला गया, मैं सब डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सब हो चुका। फिर सिर्फ एक ही फॉर्म जो होता है रिटेंशन फॉर्म, वो मैंने भरा नहीं था। और फिर जो एक लास्ट पेपर मिलना होता है कि तुमने एडमिशन करा लिया है बस रिटर्न नहीं किया हुआ है, ये फॉर्म मिलना होता है, ये शायद सभी स्टेट्स में होगा। फिर इस फॉर्म के लिए मुझे 2 घंटा और वेट करना पड़ा, यानी कि 6:10 पर मेरी एडमिशन हो गई थी, 6:10 पर मुझे वो पेपर मिला, तब जाके दिल को ठंडक मिली, फिर जाके मेरी एडमिशन हो गई, फिर जाके मैंने ये वीडियो बनाया जो कि आप अभी देख सकते हो। ठीक है, चलो तो फिर अभी वो वीडियो देख लो, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आता हूँ अगली स्टोरी बताने, आगे की स्टोरी बताने। ठीक है, जाओ जाओ, अरे जाओ भाई, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एडमिशन घेतली, अभी कैंपस तो गाइस मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा आपको, कैंपस दिखाने के लिए अगली बार जब अपन आएंगे कॉलेज लाइफ शुरू होगी तब मैं आपको पूरा कैंपस दिखा दूंगा। बट अभी मैं थोड़ा मतलब काफ़ी खुश हूँ, थोड़ा मतलब बहुत लेट हो गया है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, बट काफ़ी खुश हूँ। आप देख पा रहे हैं तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया अंदर, क्योंकि डर लगता है ना यार, अभी अभी तो आया है कॉलेज और अभी शूट करेंगे और किसी ने देख लिया और किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर डर लगता है ना इसलिए। पर काफ़ी टाइम लगा यार, बहुत चीज़ें हुई, सब मैं आपको घर पर जाकर शांति से बताऊँगा। बट यार कैंपस तो बहुत ही बढ़िया है यार, मतलब बहुत बढ़िया है।
ठीक है, और थैंक यू। वो क्या है ना, ऊपर अंकल आंटी आ गए थे इवनिंग वॉक करने, तो मेरे को शर्म आ रही थी उनके सामने व्लॉग कर रही, इसलिए नीचे आ गया। क्या ही बात करते रहे तुम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि कल मैं जा रहा हूँ नागपुर रिटेंशन फॉर्म भरने कॉलेज, तो कल का व्लॉग विल बी मोर ऑसम, क्योंकि मैं कल अकेला जा रहा हूँ, मेरे साथ ना पप्पा है, ना पप्पा है ना मम्मी है, मम्मी पप्पा को मिस कर दिया, ना पप्पा है ना मम्मी है, इसलिए मैं अच्छे से व्लॉग कर पाऊंगा। और दूसरी बात, मैं एम्स भी जाने का सोच रहा हूँ, तो एम्स का भी व्लॉग आ जाएगा। मतलब एम्स खुद एडमिशन नहीं ले रहा हूँ, मेरा दोस्त का एडमिशन हो चुका है, तो उसके साथ व्लॉग करना है कि दिखाऊंगा आपको कैसा है कॉलेज, मैं भी देख लूँगा, मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। और तो फिर बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो एंड पढ़ते रहो, मेडिकल कॉलेज जाओ, मेरे जैसा व्लॉग मत बनाओ, मेरे व्लॉग्स देखो, ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।